गाइस चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कहाँ का अपडेट चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ का अपडेट चाहिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ, और अभी आए पेट्रोल पंप मिठापुर में, भारत पेट्रोलियम, और पेट्रोल ले लिए हैं। भले ही यहाँ पे कांटा में नहीं दिखाता हो, लेकिन मेरा टैंक हमेशा फुल रहता है, क्योंकि ये जो कांटा है ये ख़राब हो गया है, इस कारण मेरे को हमेशा फुल रखना पड़ता है और एक एवरेज लेके चलना पड़ता है कि इतना चला लेंगे तो टैंक खत्म हो जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा। तो आज निकले हैं एक बार फिर से मिठापुर का अपडेट देने के लिए। पिछला वीडियो आया था मिठापुर गुमटी के ऊपर फ्लाईओवर जो बन रहा है उसका अपडेट, लेकिन आज का अपडेट रहेगा मिठापुर गुमटी के ऊपर जो फ्लाईओवर बन रहा है वो जो सिपारा की ओर आ रहा है, जिसमें लगभग 100 घर तोड़ा गया था, उसका अपडेट एक बार फिर से देने वाले हैं कि 100 घर जो तोड़ा गया था वो टूटने के बाद काम स्टार्ट हुआ है कि नहीं। ये जक्कनपुर थाना है, ये इलाका एक्चुअली जक्कनपुर का ही पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जक्कनपुर थाना है। और एक आप जक्कनपुर थाना निफ्ट कॉलेज के पास भी देखे होंगे अगर गुजरे होंगे तो दो दो जक्कनपुर है, ओल्ड जक्कनपुर, न्यू जक्कनपुर, ऐसा करके कुछ होता है। तो आज एक बार फिर से अपडेट देने निकले हैं कि जो घर तोड़ा गया था, 60-70 घर जो तोड़े गए थे, मैंने आपको वीडियो दिखाया था, अच्छे खासे व्यूज आए थे, 70-80 हज़ार व्यूज आ गए थे उस वीडियो के कारण, और आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया था, 600-700 सब्सक्राइबर्स भी मेरे से जुट गए थे, क्योंकि अच्छा काम हम किए थे उस टाइम, अभी भी करते हैं। आप लोग जो बोलते हैं वो आप लोग का डिमांड पूरा करते ही हैं। तो आज एक बार फिर से निकले हैं उसी का अपडेट देने के लिए कि घर जो तोड़ा गया था उसका क्या सिचुएशन है अभी। तो देखिए मेरे लेफ्ट साइड में यह सब जो घर है वो अभी तोड़ा गया था, 100 फीट चौड़ा होने वाला है ये सड़क 100 फीट ब्रॉड हो जाएगी, 100 फीट चौड़ा हो जाएगा, इस कारण यहाँ पे घर तोड़ा गया था, लगभग 100 से 90 घर तोड़ा गया था। तो अभी देखने आए थे कि यहाँ पे काम शुरू हुआ है कि काम शुरू नहीं हुआ, या फिर बस घर तोड़ के छोड़ दिया गया है, क्या हुआ भाई। तो जाम की स्थिति लग गई यहाँ पे, और यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है कि नहीं वही देखने आए थे हम। और यहाँ पे क्या हो गया भाई, जाम क्यों लगा दिया आप लोग, यहाँ पे जाम लग गया है। जब तक ये पुल नहीं बनेगा, जब तक इधर काम होते रहेगा, यहाँ पे जाम की स्थिति बनी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग को दिखाने आए हैं कि काम स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, बस घरवा तोड़ के छोड़ दिया गया है, अनीता सिन्हा का हॉस्पिटल तोड़ दिया गया है, बाउंड्री वॉल तोड़ दिया गया है, हर चीज तो तोड़ ही दिया गया है। तो यही देखने आए हैं कि काम स्टार्ट हुआ है कि नहीं। रोड वोड तो लगा दिया गया है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा कि कार्य प्रगति पे है, इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। ऑटो वाले इतने हैं ना कि जाम लग ही जाता है। भैया जी का जूता जो देख रहा है ना, मेरे जूता से सेम है। तो भाई लोग, मिठापुर में जो घर तोड़ा गया था वो काम स्टार्ट कर दिया गया है, इस कारण यहाँ पे जाम लग रहा है, क्योंकि काम शुरू हो गया है, जैसे भी आ गया है, सरिया बनने का इंतजाम हो रहा है, छड़ भी आ गया है, अभी आपको दिखाते हैं। ये सब देखिए मिट्टी विट्टी खोदा जा रहा है, जैसे भी वगैरह लगा हुआ है, सरिया बनाने का काम चल रहा है, छड़ भी आ गया है एक बंडल, एक बड़ा सा ट्रेलर भी आ गया है, इस पर छड़ लदा के आया है। तो जो 70-80 घर तोड़ा गया था
अनीता सिन्हा का हॉस्पिटल भी उसी में से था, तो काम शुरू हो गया है। यही देखने आए थे कि काम शुरू हुआ है कि नहीं यहाँ, लेकिन जाम लग गया तो वीडियो अच्छा से बना नहीं पा रहे। अभी कोशिश करते हैं अच्छा से वीडियो बनाने का। अभी यहाँ पे इतना जाम है ना कि पैदल चलने का भी जगह नहीं मिल रहा है, समझे? बहुत जाम है यहाँ पे। पैदल चल के भी मेरा गाड़ी बहुत आगे लगा हुआ है, हम पैदल चल के आए हैं आप लोगों को बस वीडियो दिखाने के लिए आए हैं कि काम जो शुरू हो गया है यहाँ पे। जो इतना सारा घर तोड़ा गया था, ललिता सिन्हा का हॉस्पिटल वगैरह बहुत चीज़ तोड़ा गया था, लेकिन काम शुरू कर दिया गया है। बोर्ड भी लगा दिया गया है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम। इसके ठेकेदार कौन है यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जो इतना सारा घर तोड़ा गया था, ये सब जो आप घर देख रहे हैं, ये घर हो गया सब जो घर से तोड़ा गया था, तो काम जो है वो शुरू हो गया। छत भी आ गया, सरिया भी आ गया, तो काम स्टार्ट हो गया है। इस कारण यहाँ पे जाम की भी स्थिति बनी रहती है। अभी एक जेसीबी यहाँ पे वर्क कर रहा था, वो चल गया, मट्टी वट्टी कोड़ रहा था, पेड़ वेड़ हटा रहा था। तो ये देखिए, ये छड़ आ गया है, ये सरिया आ गया है, यहाँ पे पिलर बनेगा, वो फ्लाईओवर को फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा, अनीता सिन्हा का हॉस्पिटल है। ऐसा ऐसा बहुत घर तोड़ा गया है, लगभग 70-80 घर को तोड़ा गया है। ये सीधा लेबर कोर्ट, जहाँ पे एक मंदिर है, जहाँ पे दुर्गा जी का मूर्ति बैठता है, वहाँ से फ्लाईओवर जो है वो उठेगा और वो फ्लाईओवर में जुट जाएगा, जिससे आप सीधा एयरपोर्ट जाइएगा, जिससे आप सीधा कंकड़बाग जाइएगा, डगबंगला जाइएगा, एकदम आसानी से फ्लाईओवर पे चढ़ के। सारे भाई लोग अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि तो काम शुरू कर दिया गया है मीठापुर वाले रोड में, जो घर तोड़ा गया था उसका काम स्टार्ट हो गया। तो यही अपडेट देने आए थे आप लोग को कि मीठापुर में जो घर तोड़ा गया था, जिस वीडियो के कारण आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिखाया, इतना प्यार दिखाया, इसका वीडियो हम बनाए थे जिससे 50-60 हज़ार व्यू गया था। यहाँ पे काम एक्चुअली शुरू कर दिया गया है, छड़िया वगैरह रखा हुआ है, सॉरी छड़िया नहीं, सरिया वगैरह, पेड़ वेड़ सब हटाए जाएंगे। सारे भाई लोग अपने काम कर रहे हैं, लेबर्स लोग काम कर रहे हैं। ये एक टेलर है, इस पर छड़ आया है, ये छड़ आप देख रहे हैं, इसे सरिया बनेगा, पिलर बनेगा और वो वाले फ्लाईओवर में जुटेगा यहाँ का जो काम। तो यही अपडेट देने आए थे, छोटा सा अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये काफ़ी डिमांडिंग वीडियो था, और आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर अपडेट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा ही अपडेट आपका भाई अतुल पटेल यूथ ऑफ पटना वाले चैनल पर लाते रहेगा। यहाँ पे कोई अधिकारी भी आए हुए हैं जायजा लेने के लिए, और यहाँ पे हमेशा जाम भी लगा रहता है, जाम छुड़ाने की भी प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है, पुलिस डंडा लेके खड़ा रहती है, क्योंकि ये रोड काफ़ी बिजी होने वाला है और ये पटना गया का मेन रोड है, पटना से गया जाना रहता है, तो लोग इधर से ये भी फिलहाल जाते हैं, लेकिन बाद में जो नया वाला बस स्टैंड है उधर से भी रास्ता बना दिया जाएगा। यही अपडेट था, अगर अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।